प्रिय छात्रों नमस्कार। एमपी बोर्ड गणित में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ते हुए हम लोग निर्दिष्ट कार्य 9.2 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा ब्रैकेट। इसको हमें सरल करना है, तो सरल करने के लिए बहुत ही सरल विधि है। सबसे पहले आपको पूरा सवाल जो है आपका उल्लिख देना है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा। इसके बाद यदि आप इन दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखें तो एक बार माइनस एक बार प्लस, प्लस माइनस की सर्वसमिका है, तो ए धन बी ए ऋण बी से ये बनेगा ए वर्ग ऋण बी वर्ग। यानी कि अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की सर्वसमिका होती है ए वर्ग माइनस बी वर्ग, यानी कि ए वर्ग यानी 1 का वर्ग, बी वर्ग यानी कॉस वर्ग थीटा, इस तरीके से। और दूसरा जो है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा। अब हम 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा को जानते हैं, ये साइन वर्ग थीटा होता है, क्योंकि हम सर्वसमिका पढ़ चुके हैं साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, तो उसी सर्वसमिका से ये होता है साइन वर्ग थीटा और ये होता है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा यानी कि कॉसेक वर्ग थीटा। दोनों का गुणनफल चूँकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं और गुणत में है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनका जो गुणनफल है वो 1 ही आता है, तो ये आंसर आ गया 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेन वर्ग ए बटे 1 प्लस कॉट वर्ग ए। इसको हमें हल करना है, तो सबसे पहले आपको इनमें यहाँ लिखना है 1 प्लस टेन वर्ग ए बटे 1 प्लस कॉट वर्ग ए, ये आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद यहाँ 1 प्लस टेन वर्ग ए होता है सेक वर्ग ए बटे 1 प्लस कॉट वर्ग ए होता है कोसेक वर्ग ए। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस वर्ग ए, और बटे कॉस साइन का उल्टा होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन वर्ग ए। अब इसको पलट देंगे तो होगा 1 अपॉन कॉस वर्ग ए, और ये पलट जाएगा तो हो जाएगा साइन वर्ग ए बटे 1। इसका ऊपर गुणा कर देंगे इसका नीचे, तो आएगा साइन वर्ग ए बटे कॉस वर्ग ए। जब ये कैंसिल होंगे तो साइन बटे कॉस होता है टेन वर्ग ए। मैं पहले इसके बेसिक फॉर्मूले और सूत्र सभी बता चुका हूँ, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हमें दिया है साइन थीटा 1 माइनस साइन वर्ग थीटा बटे कॉस वर्ग थीटा। तो यहाँ 1 माइनस साइन वर्ग थीटा जो है कॉस वर्ग थीटा बनाता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस वर्ग थीटा, और बटे में कॉस वर्ग थीटा है 1, तो इसको लिखना है कॉस वर्ग थीटा, ये कैंसिल तो बचा साइन थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कॉस थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कॉस थीटा
और ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद गुणा कर देना है, तो कॉस थीटा का सेक में होगा तो आएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और माइनस कॉस का कॉस में होगा तो आएगा कॉस वर्ग थीटा। कॉस और सेक एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं, और ये मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में है, तो इनका आंसर एक आता है, माइनस कॉस वर्ग थीटा। और वन माइनस कॉस वर्ग थीटा बनता है साइन वर्ग थीटा। तो इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे, यह आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन लिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में है वन माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन ही लिख देना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा। इसके बाद सेक और टेन दोनों के आपको सूत्र लगा देने हैं। सेक का होता है वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और इसके बाद वन माइनस साइन थीटा ज्यों का त्यों लिख देना है। अब यहाँ हमें इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है कॉस कॉस का कॉस ही आएगा, और जब एक सी संख्या कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आएगा एक प्लस, यहाँ कॉस और कॉस फिर कैंसिल हो गया तो आया साइन थीटा, और यहाँ बचेगा वन माइनस साइन थीटा। इसके बाद वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, ये आपस में एक बार धन एक बार ऋण, तो ये बनाएंगे ए वर्ग ऋण बी वर्ग, यानी कि अगर हम इसको ए माने, इसको अगर हम बी माने, इसी तरीके से इसको ए माने और इसको बी माने, तो ए धन बी ए ऋण बी तो बनता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो ए का मान है अपना एक, तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग यानी साइन का वर्ग, तो साइन वर्ग थीटा, और बटे में आएगा कॉस थीटा। तो वन माइनस साइन वर्ग थीटा बनाता है कॉस वर्ग थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और बटे में आएगा कॉस थीटा। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये पांचवा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद छठवां क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका दिया गया है वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और दिया गया वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो इसको हमें हल करना है, पहले हमें ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसके बाद हमें अलग अलग सूत्र लगाना है, वन प्लस कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक का होता है वन अपॉन साइन थीटा। इसके बाद यहाँ भी हमें सूत्र लगा देना है, वन प्लस टेन का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक का होता है वन अपॉन कॉस थीटा। ये एक दूसरे के विपरीत सूत्र होते हैं, तो आपको ये लगा देना है, आपको सूत्र बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो आएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ भी है साइन थीटा यहाँ भी है, तो इसके बटे में कुछ नहीं हम एक कर सकते हैं, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम एक कर सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए यहाँ हम एक मान सकते हैं, तो यहाँ गुणा करेंगे तो साइन थीटा है, तो ऊपर क्योंकि ये नीचे है एक और यहाँ है साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा बच जाएगा और इसका गुणा ऊपर होगा तो आएगा साइन थीटा प्लस, यहाँ साइन और साइन कैंसिल हो गया तो आया कॉस थीटा, माइनस यहाँ साइन और साइन कैंसिल हो गया तो आया एक। तो इस तरीके से ये आपका पूरा ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ भी यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है तो आएगा कॉस थीटा एलसीएम, यहाँ कॉस नहीं है इसलिए एक कॉस ऊपर आ जाएगा, तो
तो आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस, और कॉस कैंसिल हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया इसलिए साइन अकेला बचेगा, और प्लस कॉस और कॉस फिर कैंसिल हो गया तो प्लस वन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ यदि हम इस पूरे मान को ए मान माने और इसको माने बी, तो हो गया ए ऋण बी। इसी तरीके से ये पूरा जो मान है इसको माने ए और इसको माने बी, तो हो गया ए धन बी। तो ए ऋण बी ए धन बी होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो ए वर्ग यानी इस पूरे का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग, ये होगा ए वर्ग हमारा, और बी वर्ग यानी एक का वर्ग यानी कि एक ही आएगा, बटे साइन थीटा कॉस थीटा का गुणा होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग यानी कि इसकी सर्वसमिका लगानी होगी, तो ए धन बी का होल वर्ग, ए धन बी का संपूर्ण वर्ग होती है। आपको सर्वसमिका मैं यहाँ बता देता हूँ, ए धन बी का संपूर्ण वर्ग होती है जो वो होती है ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2AB। तो ये जो सर्वसमिका है आपको लगानी है, तो ए का मान है साइन ए, बी का मान है कॉस, साइन थीटा है ए का मान, कॉस थीटा है बी का मान, तो ए वर्ग यानी साइन वर्ग थीटा, बी वर्ग यानी कॉस वर्ग थीटा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपकी सर्वसमिका लग जाएगी। और माइनस हो गया 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ये। यहाँ यदि आप ध्यान से देखते हैं, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा का आंसर आता है 1, क्योंकि ये सर्वसमिका बनी हुई है, तो इसका आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, और बटे में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक और एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा आपका 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 9.2 आपकी समाप्त होती है। थैंक यू।